नमस्कार, मैं रितेश मिश्रा और खबर अब तक में आपका स्वागत है। रविवार की सुबह साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा। सुबह 10:14 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। इसका सूतक शनिवार की रात 10 बजे से शुरू होगा। सूतक के समय पूजा पाठ नहीं किए जाते, इस समय सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा के अनुसार ग्रहण 10:14 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने तक रहता है। ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा पाठ किए जा सकेंगे। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ था और 21 जून को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण होगा। 5 जून और 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इस ग्रहण में चंद्रमा के आगे सिर्फ एक धूल सी छा जाती है। इस तरह 30 दिन में 3 ग्रहणों का दुर्लभ योग अब 119 साल बाद दिखेगा। साल 2139 में 11-12 जुलाई की रात चंद्र ग्रहण, 25-26 जुलाई को सूर्य ग्रहण और इसके बाद 9-10 अगस्त की धारमय रात में चंद्र ग्रहण होगा। उस समय इन चंद्र ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व नहीं रह जाएगा। ग्रहण से जुड़ी ध्यान रखने योग्य बातें, सूतक के समय पूजा पाठ ना करें। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इष्ट देव का भी ध्यान रख सकते हैं। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य से हानिकारक तरंगे निकलती हैं जो माँ और बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। खाने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए, जिससे कि पका हुआ खाना ग्रहण के कारण अशुद्ध ना हो। घर में स्थापित देवी देवताओं के प्रतिमाओं का स्नान कराना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही नए नए न्यूज़ अपडेट्स और टेक न्यूज़ आप